अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो सऊदी अरेबिया आए हैं किसी मुसलसे में, किसी कंपनी में या फिर किसी कफील के अंडर में आए हैं और यहाँ आकर फंस गए हैं। लेकिन वो जो है खुरुज निहाई नहीं जाना चाहते हैं, वो जो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि उनका नकल कफाला हो जाए बिना किसी परमिशन के। तो आज की इस वीडियो में आपको कुल ऐसे 18 राइट 18 तरीके बताऊंगा कि जिससे जो है आप अपना कफील कंपनी मुसलसे से बिना परमिशन के छुटकारा पा सकते हैं, नकल कफाला ले सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप न करें, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखें। आने वाला हो सकता है कि आपका कोई पॉइंट मिल जाए, आपका कोई राइट मिल जाए इस वीडियो में, तो आप उसे देख करके समझ करके अच्छे से अपना नकल कफाला ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाएगा। आप वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी मेरे भाई यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको भी जो है कफाले लेने का तरीका मालूम हो कि किस तरीके से जो है किन किन कंडीशन में वो अपना नकल कफाला ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुल 18 तरीके बताऊंगा, जिसमें से जो है 10 तरीके से 12 तरीका जो होता है वो डोमेस्टिक वर्कर के लिए होता है, कि किन किन कंडीशन में जो है डोमेस्टिक वर्कर, जैसे कि कोई साये खास हो गया, आमिर मंजिल हो गया, हाउस ड्राइवर हो गया, या फिर हाउसमेट हो गया, वॉचमैन हो गया, तो ये जो लोग होते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, तो वो कुछ कुल जो है 18 तरीके में से जो है 10-12 तरीके जो है सऊदी गवर्नमेंट ने बताया कि इन कंडीशन में जो है वो अपना नकल कफाला ले सकते हैं। इसमें से कुछ कंडीशन जो है उसमें जो है आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें से जो है कुछ कंडीशन है उसमें आपको परमिशन की लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को समझते हैं और किन किन कंडीशन में आप जो है अपना नकल कफाला ले सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है कि मान के चलिए कोई डोमेस्टिक वर्कर है, वो अपने कफील के पास काम कर रहा है, उसका जो है सैलरी का जो सिस्टम होता है, सैलरी यानी कि 3 महीने तक उसको जो सैलरी नहीं मिला है, तो इस केस में जो है कोई भी डोमेस्टिक वर्कर अपना नकल कफाला ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट आपका सऊदी गवर्नमेंट ये कहता है कि कोई वर्कर जो है डोमेस्टिक वर्कर जो है यहाँ पे सऊदी में पहली बार आया है, और आने के बाद उसको एयरपोर्ट से सऊदी लेने नहीं आया है, तो उस पर्सन के पास, उस खारजी के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो अपना नकल कफाला कहीं पे भी जाकर ले सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि मान के चलिए कोई घरेलू वर्कर है, उसका एकामा एक्सपायर हो चुका है, तो एकामा एक्सपायर हुए वो उसका 1 महीना हो चुका हो, तो इस केस में भी जो है वो अपना नकल कफाला ले सकता है। हालांकि ये केस जो है डोमेस्टिक वर्कर और कमर्शियल वर्कर दोनों ही में चलता है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर का 1 मंथ है और कमर्शियल वर्कर का जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और आगे भी बताएंगे, तो इस वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना करें, अपना जो है हर पॉइंट को समझते रहें। अभी फ़िलहाल हम लोग डोमेस्टिक वर्कर के बारे में बात करते हैं। तो डोमेस्टिक वर्कर का जिनका भी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, एकामा एक्सपायर है, तो उनका जो है ये राइट है कि वो अपना नकल कफाला ले सकते हैं। ये जो हो गया चौथा पॉइंट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पाँचवें पॉइंट की, कि मान के चलिए कोई वही यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर में आया है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, साया खास हो, आमिर मंजिल हो, या फिर हाउस ड्राइवर हो, हाउसमेड हो, वॉचमैन हो, वो यहाँ पे अपने आया है, लेकिन उसका सऊदी जो है उसे क्या करता है कि उसको दूसरे के पास भेज करके उसे काम करवाता है, और उससे जो है कुछ पैसा वो कमाता है। तो इस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना नकल कफाला ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इलीगल है और गवर्नमेंट आपको ये अलाउ करता है कि अगर कोई भी सऊदी आपसे अपने पास बुला करके पर्सनल वीज़े पे दूसरे के पास भेजता है काम करवाने के लिए, और उससे जो है पैसा लेता है आपके काम करने के जगह पर, तो उस केस में भी आप अपना नकल कफाला ले सकते हैं। यहाँ पर जो छठा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि जिस काम में वो कर रहा है उस काम से जो उसका हेल्थ ख़राब हो रहा है, या फिर उसको जो है उसके बॉडी को कोई नुकसान हो रहा है, तो इस केस में भी जो है वो अपना नकल कफाला ले सकता है। लेकिन इसके लिए उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी कि डॉक्टर का जो दिया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कोई जो है डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, या फिर कोई पेपर होना चाहिए कि हाँ ये बंदा ये काम कर रहा है, इससे जो है इसकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, तो ये पेपर आपके पास होना चाहिए, तभी आपका उस सूरत में जो है नकल कफाला हो सकता है।
अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सातवें पॉइंट की। तो सातवां पॉइंट में ये कहता है कि जैसे मान के चलिए किसी डोमेस्टिक वर्कर में आप काम कर रहे हैं और आपका जो सऊदी आपको मारता पीटता या फिर उनके फैमिली मेम्बर से कोई आपके साथ मारपीट करता है या मिसबिहेव करता है या हैरेसमेंट करता है, तो इस केस में भी आपको जो है नकल कफाला लेने का इजाज़त है। सऊदी गवर्नमेंट आपको इस केस में भी जो है आपको नकल कफाला लेने के लिए कहता है कि आप अपना नकल कफाला दूसरी जगह ले सकते हैं। यहाँ पे जो आठवां नंबर है, जैसे कि मान के चलिए कोई वर्कर है यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर में है तो उसके ऊपर हुरूप लगता था, तो पहले तो हुरूप डायरेक्ट अप्लाई हो जाता था, तो उस केस में जो है आदमी यहाँ पे नकल कफाला नहीं ले पा रहा था। लेकिन इसको देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने इससे थोड़ा सा जो है रहमी किया कि अब कोई भी सऊदी आपके ऊपर डायरेक्ट जो है हुरूप नहीं लगा सकता है, सबसे पहले उसको जो है अब्सेंट फ्रॉम सॉरी डिस्कनेक्ट ऑफ वर्क लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक हुरूप का किसी नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपको पास 60 दिन का टाइम होता है कि 60 दिन के अंदर अंदर में या तो आप फाइनल एग्जिट चले जाएँ या तो फिर आप जो है अपना नकल कफाला कहीं पर ले लें। लेकिन अगर 60 दिन के अंदर में आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर हुरूप अप्लाई हो जाते हैं। यानी कि ये आठवां पॉइंट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, अगर इस तरह का आपके साथ कोई मामला है तो इस आठवें पॉइंट को अगर आपके पास है तो ये आप उसको फॉलो करके आप अपना नकल कफाला ले सकते हैं। यहाँ पे जो नौवां पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि मान के चलिए कोई कफील है और कोई डोमेस्टिक वर्कर है, उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा मामला है और वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चाहे सऊदी हो या आपका कफील हो या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, वो एक दूसरे पे केस किए हो, लेकिन केस के दौरान क्या होता है कि कोई भी कफील अगर दो डेट में आपको सुनवाई पर नहीं जाता है, जिसे जलसा कहते हैं यहाँ पर अरबी में, अगर जलसे में नहीं शामिल होता है दो डेट में, तो फिर इस केस में भी जो है नकल कफाले का आपको यहाँ पे गवर्नमेंट इजाज़त देता है और कोर्ट इजाज़त आपको वहाँ पे दे देगा। ठीक है, आपका कफील जो है दो जलसे में शामिल नहीं हुआ है यानी दो डेट पे नहीं आया है, कोर्ट में पेशी नहीं हुआ उसका, तो मैं आपको जो है यहाँ पे नकल कफाले का इजाज़त देता हूँ। तो जब वहाँ पे लेबर कोर्ट आपको इजाज़त देता है तो फिर आप कहीं पे भी जाके अपना नकल कफाला ले सकते हैं। यहाँ पे जो दसवां पॉइंट होगा कि मान के चलिए कि कोई वर्कर डोमेस्टिक वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है लेकिन उसका कफील जो है डिसअपीयर यानी कि गायब हो गया, उसका मालूमात नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे है, किस हालत में है, या फिर यानी कि कोई कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच में, तो कुछ टाइम के बाद फिर आप जो है वेट करने के बाद अपना जो है नकल कफाला ले सकते हैं, उसमें आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि 11वें पॉइंट पे। अब देखिए 11वां पॉइंट यहाँ पे ये कहता है, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि 11वें पॉइंट के, कि 11वां पॉइंट में यह कहता है कि अगर कोई वर्कर कोर्ट में पेशी किया या फिर कोर्ट में केस किया है और वहाँ पे जो है अगर लेबर कोर्ट आपको नकल कफाले के लिए कह देता है, तो इसमें जो है इस केस में आपको अपने कफील के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो मैंने आपको पूरा एक 10 से 11 पॉइंट बताया, उसमें से जो पहला दूसरा तीसरा जो पॉइंट होता है उसमें आपको कंपनी के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कफील के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी जो कंडीशन है उस कंडीशन में आपको जो है परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें जो है आपको सिंपली क्या करना है कि लेबर कोर्ट में जाना है। लेबर कोर्ट में आपको जा करके ये प्रूफ करना होगा कि मेरे साथ ये मसला है, मेरा सैलरी नहीं मिल रहा है, मेरा तबीयत ख़राब है, या फिर ये इस काम करने से जो है मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से जो है आप मेरा नकल कफाला, यानी कि कुल मिलाकर के जो भी कंडीशन होगा उसका जो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो फिर वहाँ पे आपका नकल कफाला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मेरा रह गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 12वां पॉइंट ये है कि मान के चलिए कोई भी यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर यहाँ पे आया है, अपने कफील के पास काम कर रहा है, लेकिन उसका प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है। अब प्रोबेशनरी पीरियड आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें आपका जो है मेंशन होता है कि प्रोबेशनरी पीरियड आपका 60 दिन का है या 90 दिन का है या 120 दिन का है। तो प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान अगर कफील आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है और वो जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है, तो इस केस में भी जो है आप अपना नकल कफाला ले सकते हैं, लेकिन इस केस में भी आपको मकतब अमल यानी कि लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा। तो लेबर कोर्ट अगर आप जाते हैं तो वो वहाँ पर आपको सारा चीज़ को शो करना पड़ेगा, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपको जो है यहाँ पे मारा पीटा जा रहा है या सैलरी नहीं दिया जा रहा है या फिर आपका तबीयत ख़राब है, यानी कि जो भी आपका मसला होगा उसमें जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, तो उस केस में जो है आपका नकल कफाला हो सकता है। बाकी का जो दो तीन कंडीशन है मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसमें आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आप अपना नकल कफाला ले सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने जो है डोमेस्टिक वर्कर के नकल कफाले के बारे में बताया। अब यहाँ पे बात आती है कि कमर्शियल वर्कर का नकल कफाला कैसे होगा, तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लेकिन आने वाले में जो जो अपडेट आया हो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बहुत जल्द ला करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कमर्शियल वर्कर अपना नकल का फाला ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी यहाँ पर मेरे भाई परदेसी यहाँ पर फंसे हुए हैं तो उनको मालूम हो कि किस किस कंडीशन में वो अपना नकल का फाला ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।